तो चलिए हम लोग बात कर रहे हैं एनसीईआरटी कक्षा छठवीं की विज्ञान के बारे में। ठीक है, इसमें पहला चैप्टर हमारा है भोजन यह कहाँ से आता है। याद रखिए, पहले कहानी की तरह सुनिए, सुनते रहिए, ज्यादा दिमाग मत लगाइए। अगर जहाँ आपको समझ में नहीं आएगा बता दिया जाएगा। ठीक है, और आपको अंत तक सुनते सुनते आराम से समझ में आ जाएगा, इतना मुझे लगता है। आज आपने अपने घर में क्या खाया, पता लगाइए कि आपके दोस्त ने आज क्या खाया। क्या आपने कल और आज एक ही प्रकार का आहार लिया था? क्या ऐसा है कि अलग अलग समय में हम भिन्न भिन्न प्रकार का आहार लेते हैं? इसका मतलब हुआ कि आपको ये पता करना है कि हम किस तरह का भोजन कहाँ से आता है हमारे लिए। आज अगर हम नॉर्मल खाना खा रहे हैं, जैसे चावल खा रहे हैं, तो ये आखिर आता कहाँ से हमारे लिए, समझ में आया? अगर कभी हम कुछ और खा रहे हैं तो वो आता कहाँ है? इसी के लिए मैं पूरा आपका ये चैप्टर लिखा गया है। विभिन्न खाद्य पदार्थ क्रियाकलाप फर्स्ट। विद्यालय में अपने दोस्तों से उन खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कीजिए जो पूरे दिन में खाते हैं। यदि वे विभिन्न राज्यों के रहने वाले हों तो उनसे भी यह जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कीजिए कि आपने नोटबुक में यथासंभव अधिक से अधिक दोस्तों द्वारा खाए जाने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कर सूचीबद्ध की जाती है। जैसे कि आपका पश्चिम बंगाल तरफ यहाँ चावल अधिक होते हैं तो लोग चावल और मछली खाते हैं। ठीक है, उनका मैं जैसे अपने बुंदेलखंड की तरफ, इस तरह हम लोग रोटी और सब्जी खाते हैं, कोई भी हैं? चावल भी ले लेते हैं अपने शौक के लिए। ठीक, तो अलग अलग जैसा भी है अपना, जिस तरह से आपका एरिया है, राज्य, और सबसे बड़ी भौगोलिक स्थिति जो भी आपकी है, जो उपलब्ध है आपके लिए, वही खाएंगे ना, तो उसी हिसाब से आदमी खाता है। आपने भोजन में अनेक प्रकार की चीजें खाते हैं, खाने की ये सभी चीजें किससे बनी है? पके चावल के बारे में सोचो। हम कच्चा चावल लेते हैं, उसे पानी में उबालते हैं। इसे तैयार करने में फिर दो पदार्थों या संगठनों की आवश्यकता होती है। दूसरी ओर कुछ भोजन तैयार करने में हमें कई संगठकों की आवश्यकता होती है। यदि आप सब्जी बनाना चाहते हैं तो हमें अलग अलग कई प्रकार की कच्ची सब्जियां, नमक, मसाला, तेल आदि की आवश्यकता होती है। सारणी एक में सूचीबद्ध कुछ खाद्य पदार्थों को छांटिए और अपने दोस्तों तथा घर पर चर्चा करके जानकारी प्राप्त कीजिए कि इनको बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री होती है। और जैसे रोटी बनाने के लिए चपाती, आटा और जल की आवश्यकता होती है। दाल बनाने के लिए कच्ची दाल, जल, नमक, तेल, घी, मसाले की आवश्यकता होती है। हमने देखा है कि कक्षा में चर्चा कीजिए, हमने क्या देखा कि कक्षा में चर्चा कीजिए कि क्या हम विभिन्न प्रकार के व्यंजनों में कुछ संगठक समान रूप से प्रयुक्त करते हैं। अच्छा है, ये संगठक कहाँ से आते हैं? जैसे चावल कहाँ से आते हैं, तेल, मसाले कहाँ से आते हैं? कुछ अन्य खाद्य पदार्थ हैं जैसे दूध हो गया, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस आदि हमें जंतुओं से प्राप्त होता है। देखिए क्या होता है, मुर्गा से हमें मुर्गी से मांस भी प्राप्त होता है, अंडे का भी स्रोत मिलता है। ठीक, क्रियाकलाप थर्ड, हम पूर्व सूचीबद्ध खाद्य पदार्थों एवं उनके संगठकों के स्रोत जानने का प्रयास करें। कुछ उदाहरण सारणी 1-3 में दिए गए हैं, कुछ और उदाहरण इस सूची में जोड़ना है। क्रियाकलाप 3 से हमें क्या निष्कर्ष निकलते हैं कि पौधे विभिन्न खाद्य संगठनों जैसे कि अन्न, सब्जी तथा फल इत्यादि के स्रोत हैं। जंतुओं से हमें दूध, मांस, अंडे, अन्य जांतव उत्पाद प्राप्त होते हैं। गाय, बकरी तथा भैंस दूध दूध देने वाले कुछ सामान्य पशु हैं। दूध एवं विभिन्न दुग्ध उत्पाद जैसे मक्खन, क्रीम, हमें ये सभी गाय के या भैंस के दूध किसी भी तरह के, जैसे मुर्गे से हो गया हमने देख लिया है, अंडा, मांस मिलता है। इटली खाद्य मद कच्ची सामग्री स्रोत,
इडली इस चावल, उड़द की मूंग, नमक, जल की आवश्यकता होती है, पौधा पादप स्रोत है। चिकन करी, इसमें चिकन जरूरी है, मसाला, तेल घी, जल। चिकन में जंतुओं से मिलता है, तेल घी एक पौधे या जंतुओं से मिलता है, खीर दूध जंतु, चावल पौधा से, चीनी। ठीक है, ये आपका धान का खेत है, गेहूं का खेत, गेहूं का परिवहन। घी, पनीर, दही का उपयोग संसार के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। क्या आप कुछ अन्य जंतुओं के नाम बता सकते हैं जो हमें दूध देते हैं? बता दीजिए, गाय, भैंस, दूध, बकरी, ऊंट, भेड़, इसी तरह के। ठीक है, भोजन के रूप में पौधों के भाग और जंतु उत्पाद। पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत है। हम पौधे के कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं? हम पत्तियां वाली अनेक सब्जियां खाते हैं। कुछ पौधे के फलों को भोजन के रूप में खाते हैं, कभी हम जड़, कभी तना, तो कभी पुष्प भी भोजन के रूप में खाते हैं। कभी आपने सीताफल, काशी फल भी बोलते हैं, से फूलों को के फूलों को चावल की पिट्ठी में डुबोकर व तल कर पकौड़े बनाकर खाए हैं। कुछ पौधे के दो या दो से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। उदाहरण के लिए सरसों के बीज से हमें तेल प्राप्त होता है। इसकी पत्तियों का उपयोग साग बनाने के लिए भी किया जाता है। क्या आपने केले के पौधे के विभिन्न भागों के बारे में सोचा है जिन्हें हम लेते हैं? ये है पुष्प, एक पादप में खाने योग्य भाग। ये है इसका फल, तना हो गया, स्तंभ, पत्ती, कलिका, इंटरनोड, ये नोड, प्राथमिक मूल, और ये है आपकी द्वितीयक मूल। ठीक, यहां तक इसे मूल तंत्र कहते हैं, ऊपर पेहोर तंत्र कहते हैं। क्रियाकलाप 4, सारणी 1 में सूचीबद्ध सभी खाद्य पदार्थों में से उन संगठनों को छांट दिया जिनका स्रोत पौधे होते हैं। ये पौधों के किन भागों से प्राप्त होते हैं? जैसे भोजन के रूप में पौधे के भाग, बैगन का भरता, बैगन, मिर्च मसाले के रूप में कोई अन्य। पौधे का भाग जो हमें संगठन देता है, फल होता है। ठीक है, तेल मूंगफली, सरसों, सोयाबीन या किसी अन्य पौधे से, ये बीज से मिलता है। ठीक है, जैसा कि आपको पता होगा कि अपने आसपास के अनजान पौधों पर यह देखने के लिए परीक्षण ना करें कि वो खाने योग्य हैं या नहीं। कभी कभी पौधे बेसैले भी होते हैं। अब आपने सुना होगा ग्वार पाठा, गवार पाठा, जो भी आपके यहाँ बोलते हैं, उसमें कई प्रजातियां उसकी ऐसी भी हैं कि उपयोगी भी हैं और कई उसकी विषैली भी हैं जिससे जान भी जा सकती है। ठीक है, तो कई पौधे हमें औषधि के रूप में भी काम करते हैं, कुछ हमें विषैले भी होते हैं। मूंग, क्रियाकलाप 5 है। मूंग चने के कुछ सूखे बीज लीजिए। अब इनमें से कुछ बीजों को जल से भरे एक पात्र में डाल दें तथा एक दिन के लिए छोड़ दीजिए। अगले दिन जल को पूरी तरह निकाल दें। बीजों को गिलास में रहने दें। उन्हें एक गीले कपड़े में लपेटकर एक ओर रख दीजिए। अब क्या आप बीजों में कुछ परिवर्तन देखते हैं? क्या एक छोटी सी सफेद संरचना बीज से बाहर निकलती है? ये आपको दिख ही रहा होगा, ये आपका मूंग है और इसे पानी में भिगोने के बाद ये अंकुरित हो गए हैं। ठीक है, यदि हाँ तो ये बीज अंकुरित हो गए हैं, यदि नहीं तो बीजों को पानी में धोएं, पानी निकाल लें और गीले कपड़े से ढककर अगले दिन के लिए उन्हें छोड़ दें। क्या उस दिन आपको बीजों से बाहर निकलता हुआ एक छोटा सा अंकुर दिखाई देता है? देता ही है। ठीक है, नॉर्मल सा है। अंकुर को सावधानी से धोकर आप इन्हें खा सकते हैं, ये उबाले भी जा सकते हैं। इनमें कुछ मसाले मिलाने पर खाने के लिए एक स्वादिष्ट अल्पाहार तैयार हो जाता है। ठीक है, अभी आप किसी तरह चने हैं, चने को पानी में डालते हैं, उसके बाद निकालते हैं तो अंकुरित हो जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि शहद कहाँ से आता है? शहद, हाँ, ये कैसे उत्पादित होता है? क्या आपने एक मधुमक्खी का छाता देखा है जहां बहुत सी मधुमक्खियां भिन 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 भिनाया करती हैं?
मधुमक्खियां फूलों से मकरंद, मीठे रस एकत्रित करती हैं और इसे अपने छत्त में भंडारित करती हैं, छत्ते में भंडारित करती हैं। फूल उनका मकरंद वर्ष के केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होता है, अतः मधुमक्खियां इस मकरंद का भंडारण कर लेती हैं ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके। हम ऐसे छत्तों में मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन का शहद के रूप में उपयोग करते हैं। ये आपका दिख ही रहा होगा, ठीक है, ये उस पर लिपटी हुई है, जब हट जाएगी तो इस तरह का हमें मिल जाएगा, ठीक है, इसी में आपका शहद निकलता है। पता है अगर आप लोग गांव से हो तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा समझ में आता होगा, क्योंकि आप लोग प्रैक्टिकली हैं, वहां देखा होगा आपने। अब बात करते हैं जंतु क्या खाते हैं, जंतु खाते क्या है आखिर। क्या आपने घर में कोई ऐसा पालतू पशु है जिसकी आप देखभाल करते हैं, कुत्ता, बिल्ली, भैंस या बकरी? फिर आपको इसकी जानकारी भी अवश्य होगी कि आपको पालतू जानवर क्या खाता है। अन्य जंतु क्या खाते हैं, क्या आपने कभी गिलहरी, कबूतर, छिपकली या छोटे से छोटे कीट को खाना खाते देखा है? ये आपकी गिलहरी अखरोट खाते हुए। अनेक जंतुओं के नाम लिखे गए हैं, उनमें से कुछ जंतुओं द्वारा खाए जाने वाले भोजन भी लिखे हैं। भैंस जैसे एक घास, खली, भूसा, अनाज, पत्ती खाती है। बिल्ली, छोटे जंतु, पक्षी, दूध खाते हैं। चूहा जैसे आपका गेहूं के, ये भी खाता है। बिस्कुट, फिस्कुट इस तरह की मतलब खाता है। शेर आपका मांस खाता है, बाघ भी आपका मांस खाता है, ठीक है, देखते रहिए। क्रियाकलाप सेवन को ध्यान से देखिए। इसके जंतुओं को तीन वर्गों में विभाजित किया गया। पहले वर्ग में केवल उन जंतुओं के नाम लिखे हैं जो केवल पौधे और पादप उत्पाद खाते हैं, उन्हें शाकाहारी जंतु कहते हैं। जहाँ कुछ जंतु ऐसे हैं जो दूसरे प्राणियों को खाते हैं, इन्हें दूसरे वर्ग में रखा गया है। यहाँ समझ में आ रहा है आपको कि जो जंतु केवल पौधे और पादप उत्पाद खाते हैं उन्हें हम लोग शाकाहारी जंतु कहते हैं। यहाँ कुछ जंतु ऐसे भी होते हैं जो दूसरे प्राणियों को खाते हैं, उन्हें हम लोग दूसरे वर्ग में रखते हैं। इन प्राणियों को मांसाहारी जंतु कहते हैं हम लोग। क्या आप कुछ ऐसे जंतुओं को जानते हैं जिनका भोजन और पौधे और जंतु दोनों ही होते हैं? इन्हें तीसरे वर्ग में रखते हैं, इन्हें सर्वाहारी कहते हैं। मानव भी एक सर्वाहारी है। गाय आपका शाकाहारी है, शेर आपका मांसाहारी है, कौवा आपका शाकाहारी है। हम जानते हैं कि हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिलता है। हमें ऐसे उपाय खोजने की आवश्यकता है कि जिनके द्वारा देश में अधिक खाद्य उत्पादन किया जा सके। यही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि हमें ऐसे भी उपाय खोजने चाहिए जिनसे यह सुनिश्चित हो कि यह भोजन हम में से प्रत्येक को आसानी से उपलब्ध हो सके। तो आज हम लोगों ने देखा है प्रमुख शब्द कौन कौन से देखे। संगठक, जो दो चार मतलब जैसे चावल में आपका चावल और जल मिला के इसे ही संगठक कहते हैं। खाद्य देखा है हमें, मकरंद भी देखा है, अंकुरित बीज देखे हैं, शाकाहारी देखा है, मांसाहारी देखा है हम लोगों ने, सर्वाहारी। इन शब्दों की बहुत ही सिंपल शब्दों में परिभाषा सीख ली हम लोगों ने, ठीक है, क्योंकि हमें यही समझाया गया है। सारांश इसका क्या है, भारत के विभिन्न प्रदेशों में खाए जाने वाले भोजन में बहुत अधिक विविधता है, क्योंकि आपकी जैसी भौगोलिक दिशा होगी, दशा होगी, उसी तरह आप लोग भोजन करेंगे। हमारे भोजन के मुख्य स्रोत पौधे तथा जंतु हैं। जो जंतु केवल पादप खाते हैं उन्हें हम लोग शाकाहारी कहते हैं, जो जंतु केवल जंतुओं को खाते हैं उन्हें हम लोग मांसाहारी कहते हैं, जो जंतु पादप तथा दूसरे प्राणी दोनों खाते हैं उन्हें हम लोग सर्वाहारी कहते हैं। ये आपके कुछ अभ्यास के लिए क्वेश्चन दिए गए, इन्हें सॉल्व कर लेना, ठीक है। याद रखिए आप लोग टेलीग्राम पर डाल दी है, वहां जाकर आप लोग डाउनलोड करते रहना। और तो ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर। आगे हम लोग बात करने वाले हैं भोजन के घटक के बारे में।